तो हेलो दोस्तों, अगर आपको भी व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट के द्वारा वीडियो अगर आपके पास है लिए हैं अगर किसी से व्हाट्सएप से और वो आपको गैलरी में या फाइल में नहीं शो हो रहा है तो इसका प्रॉब्लम क्या है और इसको सही कैसे किया जाता है। तो दोस्तों 100% गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा देखने के बाद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप आसानी से इसको आप वीडियो में कन्वर्ट करके गैलरी में सेव कर सकते हैं, गैलरी में रख सकते हैं या कहीं पे भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताना शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका वीडियो जो है व्हाट्सएप पे डॉक्यूमेंट के द्वारा लिए हैं आप, अगर वो वीडियो आपको गैलरी में नहीं शो हो रहा है लेकिन व्हाट्सएप पे जब इसे इंस्टॉल डाउनलोड कर लेंगे तो यहाँ ये ओपन के लिए तैयार है लेकिन आपको गैलरी में नहीं शो होता है। तो ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, तो दो प्रॉब्लम है, मैं आपको दोनों तरीका बता देता हूँ। तो पहला ये है कि अगर आपके फ़ोन में दो व्हाट्सएप चलता है तो आपको पहले चेक कर लेना है कि किस व्हाट्सएप में गया है और उसी का आप फाइल मैनेजर में जाके उसी व्हाट्सएप में देखेंगे कि डॉक्यूमेंट में वो वीडियो है कि नहीं। और वीडियो रहता है तो उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ उसको क्या करना है ताकि आपको गैलरी में, यानी कि गैलरी में आपको शो हो जाए वो वीडियो। तो चलिए बताते हैं, फाइल मैनेजर अभी खोल के आपको दिखाते हैं और वो वीडियो को मैं पहले ढूंढता हूँ और उसके बाद आपको बता देता हूँ। तो चलिए मैं अपने फाइल मैनेजर पर चलता हूँ। दोस्तों फाइल मैनेजर में आने के बाद आपको व्हाट्सएप का डॉक्यूमेंट जो सिस्टम है उसको खोल लेना है, फोल्डर को। तो व्हाट्सएप फोल्डर खोलने के बाद आपके सामने आपका जो है वो वीडियो नज़र आ जाएगा। तो वो डॉक्यूमेंट वीडियो इस तरह से नज़र आता है, देख लीजिए। पहले आपको व्हाट्सएप का डॉक्यूमेंट फाइल फोल्डर को ओपन करना है और उस वीडियो पे देखिए इस तरह से रहता है। जो भी फाइल का नाम है वो आपको सामने इस तरह से रहेगा, इस पर आपको होल्ड करके रखना है तो इसमें रीनेम आएगा, रीनेम पर आपको क्लिक करना। तो जो भी फोल्डर है उसका आपको नाम सिर्फ चेंज करना है, तो उसमें आपको .mp4 लगा देना है, लास्ट में .mp4 लगा देंगे, उसके बाद आपको सेव कर देना है दोस्तों। तो देखिए कुछ इस तरह से फाइल आपका सेव हो जाएगा और ये वीडियो बन गया है। अब ये आपको गैलरी में भी शो होगा, अब इसे किसी भी साइट पर भेज भी सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएँ। अगर आपको इसमें से थोड़ा भी ज्ञान मिला है इस वीडियो से तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि हम इसी तरह के बहुत सारे नॉलेजेबल वीडियो डालते रहते हैं और जो भी हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर है वो अच्छा खासा हमें सपोर्ट करते हैं। तो आप भी इस तरह के सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।